पारस के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। दरअसल सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट से एक बार फिर से देशमुख की अर्जी पर स्टे को एक्सटेंड करने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे में अब अनिल देशमुख मुंबई के आर्थर रोड जेल में कल बाहर आ जाएंगे। और ये होने के बावजूद जो फिर से एप्लीकेशन किया है सीबीआई की तरफ से, वो इल्लीगल है, विदाउट प्रोसीजर है। हमने जो ये आर्गुमेंट्स कोर्ट में दलीलें पेश की, कोर्ट ने उनको स्वीकारते हुए सीबीआई की जो स्टे का अर्जी था वो आज रिजेक्ट किया है। कोर्ट ने जो आर्गुमेंट किया था कि पिछली दो बार, एक बार उनको स्टे देने के बाद फिर से दोबारा जो वो आ रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि पिछली बार ही कोर्ट ने ये कहा था कि आगे स्टे मिलेगा नहीं, एक्सटेंशन मिलेगा नहीं। इसके बावजूद जो उन्होंने ये एप्लीकेशन किया, ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। कोर्ट ने ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट किया और कोर्ट ने कहा कि पिछले ऑर्डर में साफ कहा गया है कि इसके आगे स्टे मिलेगा नहीं और इस वजह से स्टे दिया नहीं जा सकता। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के भूतपूर्व गृह मंत्री श्री अनिल देशमुख जी की आखिरकार जमानत मंजूर होगी और कल वो जेल से रिहा होने वाले हैं। वास्तविक उन पे जो आरोप किए गए, उन आरोपों में किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं था। सारे आरोप राजनीतिक थे और किसी प्रकार का कोई मनी ट्रेल नहीं मिला। लेकिन पिछले एक साल से, सवा साल से बहुत ही तकलीफ श्री अनिल देशमुख जी और उनके परिवार ने उठाई है। कल वो जमानत पे रिहा होने वाले हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनका जमकर स्वागत करेगी और आने वाले समय में जनता की अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जनता में जाकर हम अपनी बात रखेंगे। अनिल देशमुख जी को किस राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में फंसाया गया, ये सारी चीजें अब सामने आएंगी।